हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सेवा ट्रस्ट यूके भारत की ओर से इतिहास में धर्म, सिद्धांत और मानवता की रक्षा के लिए निस्वार्थ बलिदान देने वाले नौवीं पातशाही गुरु श्री तेग बहादुर जी की पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थम्बड़, मॉडर्न एजुकेशन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अधोया, राजकीय प्राथमिक और कन्या माध्यमिक विद्यालय अधोया में विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ शशत नमन करके मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ ट्रस्ट के स्टेट कोऑर्डिनेटर पवन पारशर ने गुरु की अरदास करके किया। पवन पारशर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने गुरुओं के बताए हुए पद चिन्हों और विचारों पर चलकर अपने अनमोल जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि गुरु तेग बहादुर जी का जन्म सन 1621 में हुआ था। वे गुरु हरगोविंद जी के सबसे छोटे पुत्र थे। वो एक महान विचारक, योद्धा, पथिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने धर्म, मातृभूमि और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसलिए उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। इतना ही नहीं, गुरु तेग बहादुर को एक सम्मानित विद्वान और कवि माना जाता है, जिन्होंने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत योगदान दिया। गुरु तेग बहादुर उस समय धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थक थे जब लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। सन 1675 में औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी अंतिम विदाई भी यहीं से हुई थी। पिता ने गुरु तेग बहादुर जी को त्यागमल नाम दिया था, लेकिन मुगलों के खिलाफ युद्ध में बहादुरी की वजह से वे तेग बहादुर के नाम से मशहूर हुए। आज उसी जगह पर गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब बना हुआ है। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश पारशर, गुरमेल दहिया, प्राचार्य मन भावनी भल्ला, नीरज कुमार, जितेंद्र शर्मा, अभी आरसी मीनाक्षी शर्मा ने इस कार्यक्रम के लिए पारशर और सेवा ट्रस्ट यूके का धन्यवाद किया और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम करने और सहयोग की कामना। इस अवसर पर सेवा ट्रस्ट यूके ने अपनी को स्पॉन्सर डाबर इंडिया लिमिटेड की तरफ से विद्यार्थियों, अध्यापकों और अन्य स्टाफ को डाबर का जूस प्रसाद स्वरूप दिया। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग। आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल थम्बड़, ब्लॉक पराड़ा अम्बाला में बच्चों की कैरियर काउंसलिंग के लिए मैं पवन पारशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार ये जो बच्चे हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल थम्बड़ के, और ये सभी बच्चे इस समय जो असेंबली ग्राउंड है उसमें हमने इनको बिठाया हुआ है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये सभी बच्चे जो हैं 6 to 12th ये स्कूल है थम्बड़ का। और इस स्कूल के अंदर जो विशेषता है आप देख सकते हैं, जो ग्रीन आप देख रहे हैं, पूरा कैंपस जो है वो पूरा ग्रीन है। पूरे जो वातावरण को पेड़ों के द्वारा यहाँ पर पेड़ जो है लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं पूरा ये ग्रीनी ग्राउंड आप पूरा, और व्यवस्थित रूप से पूरी जो कैंपस है उसको तैयार किया गया। और ये प्यारे प्यारे बच्चे जिनकी आज कैरियर काउंसलिंग जो है सेवा ट्रस्ट यूके के द्वारा की जाएगी। सेवा ट्रस्ट यूके की तरफ से मैं आज एक गिफ्ट दे के जाऊंगा आपकी पढ़ाई के लिए। एक ऐप है, उस ऐप के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बायजू ऐप को कितने बच्चे जानते हैं? बायजू, यस। वो बायजू ऐप सेवा ट्रस्ट यूके की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी और उससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें जो कंटेंट है, पूरे कंटेंट है, आप प्ले करके उनको पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो वो जो है मैं लिंक दे दूंगा टीचर्स को, टीचर आपको देंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर आप जिंदगी में कामयाब होते हैं तो बेनिफिट किसका है आप बताएं? कितनों को लगता है कि हमारा बेनिफिट है सिर्फ? कितनों को लगता है? एक दूसरे को देख के क्यों करते हो आज? अपने आप नहीं पता आपको? आपको नहीं पता बेटा किसका बेनिफिट होगा? हाँ जी बेटा, आपको नहीं पता अगर आप कामयाब होते किसका बेनिफिट है? किसका बेनिफिट है? हमारा क्या होता है? हमारा। समझ आ रही है? तो बेनिफिट किसका है? हमारा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में पढ़ के कामयाब हो गए, पड़ोसी का फायदा है, किसी रिश्तेदार का फायदा है, या जो गुरुजन आपके सामने खड़े हैं भाई इनको पद्मश्री मिल जाएगा आपके कामयाब होने से, तो आप मत पढ़ो। अगर आपको लगता है, अगर एक भी सिंगल इंसान को, बच्चे को ये लगता है कि आपके कामयाब होने से किसी एक का भला होता है आपके अलावा, समझ गए? पहले तो आपका ही होना है ना। आप कामयाब होए
होंगे, हम हुए, हमारी फैमिली का भला हुआ, फिर हमारे गांव का हो रहा है थोड़ा बहुत, फिर देश का होता है, लेकिन पहले अपना होता है ना। अगर आपको लगता है किसी और का होता है तो मत पढ़ो। आपको क्या लगता है किसका होता है? तो अपने लिए एक बार ताली। अच्छा प्यारे बच्चों, मुझे आप एक बात बताएं, मैं लास्ट टाइम भी आया था यहाँ पे, कितने बच्चों ने अब तक अपना जो बनना है जिंदगी में, डिजायर कहते हैं, सपना कहते हैं, एम कहते हैं, भी आपने जिंदगी में क्या बनना है, कितनों ने लिख लिया है या कितनों ने समझ लिया है कि मुझे ये बनना है? हाथ खड़ा करें, किसी को देख के नहीं, मैं पूछूंगा बीच में से। हाँ जी बेटा, क्या बनना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, नीचे कर लो। रेसर, यानी कि एथलीट में जाना चाहते हो? ओके थैंक यू। हाँ जी, आप क्या बनना चाहते हो बेटा? जल्दी खड़े हो जाए। यस, पुलिस। पुलिस क्या? पुलिस में भी बहुत सारे पद होते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं ना? अच्छा, कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं सीरियसली? बिल्कुल, क्या बात है, अपने लिए ताले। आप कामयाब होंगे, क्या होंगे? कामयाब। तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसका होगा? किसका होगा? ये जो गुरुजन खड़े हैं आपके, या कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार, उसका कोई भला होगा? तो किसका होगा? हमारा। तो पढ़ने की जिम्मेवारी किसकी होगी? हमारी। तो पढ़ेंगे? यस सर। पढ़ तो सारे रहे हैं, हर साल 12 लाख बच्चा, 15 लाख बच्चा प्लस टू पास करके बाहर हो जाता है ना? यस सर। लेकिन कामयाब कितने बच्चे होते हैं वो आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले लक्ष्य है कि आपने बनना क्या है, समझ आ रही है? Yes, sir. तो जब बनना क्या है वो आपने पहले तय करना है, क्योंकि 9वीं और 10वीं में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको जिंदगी में बनना क्या है, क्योंकि 11th क्लास जो होती है वो आपके उस ड्रीम्स के ऊपर आपकी पहला पायदान होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको मेडिकल लेनी पड़ेगी +1 में, सही बात है ना? कोई IPS IAS कुछ भी बनना चाहता है, समझ रहे हो, तो वो उसी हिसाब से पढ़ाई करेगा, समझ आ रही है? Yes, आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, आपको कॉमर्स लेनी पड़ेगी, समझ आ रही है? Yes, तो बच्चों, आपका जो ड्रीम्स है, जो आप बनना चाहते हैं, वो आपका लिखित होना चाहिए, क्लियर होगी? Yes, sir. समझ आ रही है? Yes, sir. तो अच्छा, मुझे एक बात आए, किस किस ने अपना ड्रीम्स माइंड में बना लिया है कि मुझे ये करना है जिंदगी में? हाथ खड़ा करें एक बार, अपने लिए, सबके लिए और अपने गुरुजनों के लिए तारीफ करेंगे, क्योंकि बहुत कम मिलता है मुझे स्कूलों में हाथ खड़े करने वाले, क्योंकि बच्चों ने अभी ड्रीम्स ही नहीं सोचा होता। हम ना सोचने से डरते हैं, हम इंडियन जो है ना, बड़ा सोचने से भी डरते हैं, अगर नहीं बने तो। अब जैसे ये गुड़िया थी, इसने IPS कहा, बेटा IPS होता है इंडियन पुलिस सर्विस, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, स्टार लगे होते हैं स्टार्टिंग में ही, वो IPS होते हैं। हमारी देश में 3 प्रशासनिक सेवाएं हैं, पहला IAS, जो टॉपर होते हैं वो IAS बनते हैं, जो DC बड़े बड़े लेवल के अधिकारी, समझ रहे? फिर IPS, और तीसरा होता है फॉरेन सर्विसेज, जो एम्बेसीज में राजदूत होते हैं, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी सेवा है देश में, बहुत कम लोग हमारे इलाके से एक आधा ही पास आउट है अब तक, वो भी अभी वैसे रहे, वो बाहर ही हैं, गुप्ता सर हैं, उनकी बेटी थी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।